नमस्कार प्रणाम। क्या हाल है? ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद् भद्रं तन्नासु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय वंदनान मृत्युर्मोक्ष्यवामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महारे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। अभी अभी थोड़े समय पहले आपने जो मेरी तारीफ में अल्फाज कहे, मैं सच कहूं तो जहां जहां शिव कृपा है, जहां जहां ऊपर वाले ने कर्म किया हुआ है, जहां जहां खुदा ने इस कदर नियामत कर रखी है उस जगह पे कि जिस धरती पे कदम रखने के बाद आदमी के कुंडली के योग बदल जाते हैं, मौत का योग निकल जाता है, तकलीफ का योग निकल जाता है, कष्ट का योग निकल जाता है, ऐसी आपकी इस धरती पे मैं आया, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आदरणीय धनंजय मुंडे का और उनके समस्त परिवार का धन्यवाद दिया करता हूं और आदरणीय शरद पवार जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं और मेरे परिवार की तरफ से दे रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो यूं ही सदैव स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और जिस तरह महाराष्ट्र की सेवा वर्षानुवर्ष की है वो निरंतर उसी तरह से वर्षानुवर्ष और करते रहे, यही माई से प्रार्थना करता हूँ, शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। आप तारीफ में कह रहे थे कि उस वक्त मेरे मुंह से निकला था कि आप टॉप पे आएंगे, मेरे जिंदगी में जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे अपने हैं वो टॉप पे आ जाते हैं, वो आगे निकलते हैं, वो क्यों कहा था आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। वो इसलिए कहा था कि जिस वक्त मैं हीरो हुआ मेरी मां ने मुझसे कहा कि आप पूरा घर परिवार आप ही चलाएंगे, तो मैं छोटा था मुझे ऐसा लगा कि पूरा घर परिवार मैं ही चलाऊंगा तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि बहुत बड़ा घर परिवार है। तब मैं थोड़ा डर गया, पर जिस वक्त मैंने सेवा करनी शुरू कर दी ऊपर वाले ने भी साथ दे दिया, तो मुझे पता लगा कि जिस वक्त आप काम करते हैं सेवा करते हैं ऊपर वाला साथ जरूर देता है उन सभी का। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदमी अच्छा है और उसके साथ गलत हो गया। ईमानदारी आपके कदमों के आगे चलने लगती है हर हाल में हर सूरत में। उस वक्त आप आए और आप आपके जो सीनियर है आदरणीय धनंजय मुंडे जी आपकी तारीफ में कसीदे कस रहे थे, ये कह रहे थे कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, वो चाह रहे हैं कि आप यहां पे आए और हम सबके परिवार के गणों से मिले। मैं इनकी सूरत उस वक्त देखता रहा, मैं ये सोचने लगा कि इतनी आयु में छोटे हैं ये, मेरे घर परिवारों के भी बहुत सारे बच्चों की मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं, पर ऐसा इस कदर प्यार समझ धरपकड़ और जुड़ के महाराष्ट्र में जैसे आगे निकल सकते हैं ये सोच इस छोटी सी उम्र में उनमें थी, तब मेरे मुंह से निकला आप बहुत आगे निकलेंगे। जो जो व्यक्ति उसके घर परिवार के लिए मां बाप के कहने के ऊपर जो चाहे दिल ईमान जान जो चाहे लगा सकता है लगा देता है, असली हीरो वही हुआ करता है। फिल्मी हीरो बहुत से देखने मिलते हैं, पर जो जो उसका घर परिवार चला रहा है साथ दे रहा है
ख्याल कर रहा है, जिसके आंख का पानी अभी मरा नहीं है, उसका जिंदा है। तो आप कह रहे थे कि ये वो जगह है जहां एक भी बीमार नहीं है। तो वो बीमार कैसे नहीं है भैया? बहुत से देश में, बहुत से वर्ल्ड में, सब जगह, बहुत जगह बीमारी फैली हुई है। तो वैद्यराज यहां पे है, यहां बीमारी नहीं आएगी। पूरी दुनिया की जो बीमारियां हैं उसके लिए दुआ करने, पूजा प्रार्थना करने तो लोग यहां आ जाते हैं, यहां बीमारी नहीं फैलेगी। और मैं ऐसी ही दुआ करता हूं। और साथ साथ आदरणीय मुंडे जी का पूरा घर परिवार, धनंजय मुंडे जी का घर परिवार, आदरणीय शरद पवार जी और महाराष्ट्र के वो सब दिग्गज, जो जो व्यक्ति है, विशेष जो नेता है, वो उन सभी से मैं इस स्टेज के माध्यम से आज धन्यवाद दे रहा हूं। क्यों? कि चाहे वो चित्रपट की सृष्टि हो, महाराष्ट्र ने तैयार की है, चाहे वो महादेव की पूरे देश में स्थापना हो, वो महाराष्ट्र की तरफ से ही हुई है, चाहे वो चित्रकूट हो, वो महाराष्ट्र ने ही किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र जैसा माया नगरी, जिधर पूरे दुनिया में जितने आर्टिस्ट हैं वो यही से नाम हुआ है। वर्ल्ड में अमिताभ बच्चन जी आदरणीय नंबर वन पे आए और आपका ये गोविंदा नंबर 10 पे आया। तो माँ बाप के आशीर्वाद के अलावा ये महाराष्ट्र की कृपा है कि हम इस जगह पे पहुंचे। तो जो जगह है उसका वास्तु दोष ना हो, जो शब्द निकले हैं उसमें कहीं दोष हो, जो भाषा हो उसमें कहीं दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो, मैं माई से क्षमा प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों से सदैव ऐसे ही प्यार की विनती करता हूं कि ये बरकरार रहे। इसमें, इस प्यार में कभी तकलीफ नहीं आए, किसी तरह की तकलीफ नहीं आए, ये मैं दुआ करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं। और आज फार वर्ष झाले मी इथे आलो, 21 वर्षानंतर आलो इथे, पहिल्यांदा मला अशी स्वतः माझी पत्नी मला बोलली की बाबा मला पण यायचं आहे तुमच्या बरोबर। मी बोला व्हेरी गुड, एकुलती एक आहे लिंक माझ्या बरोबर। आता काय हल्ली मी जास्त स्पीच वगैरे देत, म्हणजे देतच नाही स्पीच, लोकांना काय म्हणून असं वाटावं की म्हणे याला पुन्हा असं वाटतंय की हा पॉलिटिक्स मध्ये यावा। मी मस्त आहे, देवाची कृपा आहे, वर्षाने दिलंय त्याचा सदैव धन्यवाद देत असतो। मी जेव्हा हिरो नाही झालो होतो मला वाटलं नव्हतं की मी हिरो होईल, झालो, देवाने कृपा केली, त्या आईला ते कधी विचार केला नव्हता, ते काय सगळं जन्मलायला मिळालं, आईच्या आशीर्वादाने मिळालं ते। हा हाल चाल ना भाई ना, मग लोक सांगायला लागले की हा पुढारी, हा गोविंदा, त्याला भाषेचा अभ्यास नाही, चित्रपट सृष्टी त्याला बघतो तो छळतोय, त्याला समजत नाही कोण कोणा कशी जशी लावतोय, हा कसं काय पुढारी होईल। मला लोकांना सांगायचंय की देवाच्या कृपे पुढं काही चाला की काही तुमचा वाद, काही चालत नाही त्याच्या पुढं, फक्त तुमचं प्रेम ते तुमच्या अगोदर ते चालणार आहे आणि तेच तुम्हाला सुखरून ठेवणार आहे, त्या पुढं काहीच नाही। माझ्यासारखी लोक नंबर वन वर आदरणीय अमिताभ बच्चन एवढे शिकलेले विचारू नका, मी सर्वसाधारण माणूस, काय माहित नाही, आलो होतो असंच चित्रपट सृष्टीमध्ये, मला असं वाटलं काम यायला, काम यायला पाहिजे भैया, आई वडिलांची सेवा करायची आहे, कधी वाटलंच नव्हतं की हिरो होईल, केलं देवाने ते। मला काहीही कुठेही गेल्यावर, काहीही
अशी माझ्या मनात माझे भाव येतच नाही की याच्यापासून मला काहीतरी हवं आहे म्हणून मी याची मैत्री करतोय. मागायचं असेल तर देवाकडनं मागून घेईन. त्यापुढं काहीच नाही. मी ज्या वेळेला पॉलिटिक्स सोडून आलो तेव्हा पण ते माझ्यावर डाऊट घेत होते, अरे इसके दिल में कुछ तो होगा, कुछ तो ये इसने सोचा होगा. अरे क्या सोचना है यार, ऊपर वाले ने इतना कर्म किया हुआ है, 100 करोड़ की आबादी है, उसमें 100 हीरो नहीं है यार. और 1 और 10 में ऊपर वाले ने ऐसा नाम दे दिया, इज्जत दे दी है, तो मैं तो शुक्रिया ही करता रहता हूँ. और साथ साथ में शुक्रिया और करता हूँ, साथ में मेरी जो धर्म पत्नी आई है आपका, इसलिए कि मेरी माँ के आदेश पे मैंने तो बहुत सेवा की घर परिवार की, पर आप साथ नहीं देती तो मैं सेवा नहीं कर पाता. तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आदरणीय धनंजय मुंडे जी के पूरे घर परिवार के लिए यह शुभेच्छा प्रदान करता हूं कि ये जो सूरत देख रहे हैं आप, ये जो प्यार देखा है, ये जो कर्म आप पे हुआ है, बा इज्जत बा तमीज बा नसीब, जो बा अदब होता है उसका नसीब कभी उसे धोखा नहीं देता. आपकी जुबान, आपकी अपनी सोच और आपके तौर तरीके शुरू से ही मैंने देखा है वो प्यार बढ़ाने वाले हैं. और जो प्यार बढ़ाने वाले लोग होते हैं वो ऊपर वाला वैसे ही उन पे कर्म किया करता है और करेगा इंशाल्लाह आमीन. मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा 21 साल बाद में, फिर से अपनी मुलाकात होगी और उसमें कतई किसी प्रकार का न वास्तु दोष होगा न शब्द दोष होगा. वो गोविंदा होगा जो पढ़ा लिखा गोविंदा होगा. कहा तो मुझे अल्फाज समझ में नहीं आते थे, अब तो अल्फाजों के पीछे के अल्फाज और उनके पीछे के अल्फाज और उनके पीछे के अल्फाज, ये ऊपर वाले ने करम किया है. बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. परली, ये परली जो जगह है, ये वैद्य ये बीमार नहीं कर रहा है और ये बीमार नहीं करे, यही दुआ करता हूं. लव यू ऑल. जो जो घर परिवार में सेवा कर रहे हैं वो सब हीरो है. और आदरणीय शरद पवार जी के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ईश्वर उन्हें उत्तम आयु प्रदान करे और उनका आशीर्वाद सदैव हम पे ऐसे ही रहे. देशात काम करणारी 3 भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला यूट्यूब वर सबस्क्राइब करा, तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह रहा लाइव्ह अपडेट्सची निगडीत.